36,000 RRTs अनट्रेंड है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जादुई आंकड़ा कहाँ से लेके आए हैं लोग। इग्नो के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम इनको ट्रेन करने और आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कश्मीर यूनिवर्सिटी या बीएड कॉलेज हमारा इन 2100 टीचर्स को कैटर कर रहा है और वो सब आज ट्रेनिंग कर। हुकूमत में भी रहबर तालिम असातिज़ा को सताया गया, इसलिए सताया गया कि इनका कोई पोलिटिकल गुरु नहीं है, ये किसी पोलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, इनका कोई पोलिटिकल खानदान नहीं है, गरीब गुरबा जो थे उनके बच्चे टीचर बन गए, उन्हें उस हुकूमत में भी, लेकिन इस हुकूमत से कम अज़ कम ये उम्मीद हम नहीं जाना चाहेंगे। देखिए पहले बात करेंगे 2047 क्या है। 2047 को हम पूरा भारत सदसाला तकरीबात मना रहा है यौम आज़ादी के, उसके लिए बहुत सारे ख्वाब है। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और हमारे पास बहुत सारा बहुत बड़ा विजन है, उस विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी विजन का हिस्सा है हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनना चाहते हैं, हम मरीख पे जाना चाहते हैं और इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है और इसी हथियार को मज़ीद तेज़ बनाने के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट जो है 2047 जो गवर्नमेंट ने लाया है पूरे हिंदुस्तान में लाया गया है, लेकिन कश्मीर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी 2047 विजन डॉक्यूमेंट लाया है, तो हम इस डॉक्यूमेंट को वेलकम करते हैं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 आया है और ये भी बताया जाता है कि जो RRTs है वो थ्रेट डिपार्टमेंट, आप किस नज़रिए से देखें? देखिए उसमें एक डॉक्यूमेंट, उसमें जो एक 152 पेज पे लिखा हुआ है कि RRTs 36,000 RRTs अनट्रेंड है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जादुई आंकड़ा कहाँ से लेके आए हैं लोग। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा कैप्चरिंग सिस्टम जो है वो यूडाइस प्लस है, यूडाइस प्लस को पूछिए और यूडाइस प्लस में कम्प्लीटली कहा गया है कि सिर्फ 5% असातिज़ा ऐसे जो अनट्रेंड है। आप देखिए सर्व शिक्षा समरगज का जो है पैब है, पैब की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसमें 2021-22 की अगर हम बात करेंगे तो 2021-22 की उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहा गया कि हमारे पास 2106 ऐसे ये टीचर्स है जो अभी अनट्रेंड है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है वहाँ पे कि हमारा यूजी जो इग्नो है, इग्नो के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हम इनको ट्रेन करने और आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कश्मीर यूनिवर्सिटी या बीएड कॉलेज हमारा इन 2100 टीचर्स को कैटर कर रहा है और वो सब आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये 36,000 का आंकड़ा कहाँ से लेकर आए मैं बहुत परेशान हूँ। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को परेशान किया गया है, पर्टिकुलर कम्युनिटी को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई है और हम चाहते हैं कि इस डाटा को ठीक है हम मानते हैं कि 10 ज़्यादा हो गया, असल में ये 3600 है, तो इन्होंने 36,000 लिख दिया। तो इससे एक बात कह सकते हैं कि वो जो तकाजे हैं इस वक्त, जो मॉडर्न तकाजे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कह रही है टीचर्स को मॉडर्न तकाजों को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इसके लिए 1,50,000 टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है। ये 36,000 का आंकड़ा और उसमें रहबर तालीम असातिज़ा, बार बार रहबर तालीम असातिज़ा को सताया जा रहा है। मैं वैसे तो चीफ स्पोक्समैन जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन आपको वाजिया करना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमत में भी रहबर तालीम असातिज़ा को सताया गया, इसलिए सताया गया कि इनका कोई पोलिटिकल गुरु नहीं है, ये किसी पोलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, इनका कोई पोलिटिकल खानदान नहीं है, गरीब गुरबा जो थे उनके बच्चे टीचर बन गए, उन्हें उस हुकूमत में भी, लेकिन इस हुकूमत से कम अज़ कम ये उम्मीद हम नहीं रखते थे कि ये 36,000 का आंकड़ा दिखाएंगे, ये जादुई आंकड़ा। एटलीस्ट यूडाइस प्लस को पूछ ले, पैब जो है आपका उससे पूछ ले, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो क्या कह रही है, वहाँ पर 95% टीचर्स ऐसे जो ट्रेन है और अगर इनके पास कोई ऐसा डिवाइस बना हुआ है सेंट्रिफ्यूगल डिवाइस मुँह में डालकर हम देखते कि ट्रेन है अनट्रेन, तो मुँह में डाल दे, देख ले कौन ट्रेंड है कौन अनट्रेंड है, लेकिन ये बात कर लेना कि 36,000 के आंकड़े को 36,000 बनाकर एक टीचर्स कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ह्यूमिलेट करना, मुझे नहीं लगता ये सही है। बाकी जो विजन डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम साथ साथ है, हम तन मन के साथ इसको आगे ले जाने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन जो इकनॉमी इंडिया बनी, हम चाहते हैं कि हम मरीख पे जाए, हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हो, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको बार बार ह्यूमिलेट किया जाए। मेरी सब जो हमारी इंतजाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजाम, उनसे गुजारिश है कि एक बार इसको देखिए, इस डाटा को क्लियर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।